हल्लो माजरा में रविवार रात शराब की बोतल घोपकर स्क्रैप डीलर की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 50,000 की सुपारी लेकर स्क्रैप डीलर सियाराम की हत्या की थी। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हल्लू माजरा निवासी पवन, राजू, रिंकू, संजय और मुख्य सरगना जगन्नाथ के तौर पर हुई है। इसकी जानकारी डीएसपी बीएस नेगी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। बीएस नेगी ने बताया कि सियाराम की सुपारी उसके एक पुराने दोस्त जगन्नाथ ने हल्लू माजरा निवासी अपने दोस्त पवन को 50,000 में दी थी, जिसके बाद पवन ने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर सियाराम की हत्या कर दी। लेकिन इसके पीछे हमारे को कहानी ये पता लगा है कि जयनाथ नाम का आदमी जो पीओपी का काम करता है मकानों में, उसको उसके साथ कुछ 10-15 दिन पहले बैठकर सियाराम ने, इन दोनों ने बैठकर दारू पी थी। दारू पीने के बाद इसके जयनाथ को सियाराम ने पीटा था। वो उसी रंजिश के वजह से जो है ना, इसने अपना प्लान बनाया था कि भाई मैं भी इसको मौका मिलते इसको पीटूंगा। इसके लिए इसने इस आदमी को, पवन कुमार नाम के आदमी को बोला था और पवन कुमार रेडी हो गया कि भाई ठीक है जी, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं पीट दूंगा। पिटाई करके इन सब ने मिलकर उसको बॉटल से रॉयल स्टैग की बॉटल मिली है, 2 बॉटल रॉयल स्टैग की और 2 बियर की बॉटल मिली है। उन बोतलों से उसको अटैक किया है, जिससे उसके मुंह पर, माथे पर और बायां आंख और दाहिने आंख के ऊपर चोट लगी हुई है। वहीं अभी तक एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।